नमस्कार, मैं हूँ करिश्मा, बहुत स्वागत है आपका। और आज को चर्चा का विषय हमारा यही रहेगा कि कोरोना की भेंट चढ़ा है सत्र। जी हाँ, भोपाल से ये बड़ी खबर कि कांग्रेस का मौन धरना खत्म हुआ। विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन हो रहा था और ये एक बड़ी खबर, कांग्रेस का मौन धरना खत्म हो गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में ये धरना चल रहा था, तो विधानसभा का घेराव करने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी कि बड़े बड़े वाहनों से जाएंगे और सदन का घेराव करेंगे, लेकिन रणनीति में अपरिवर्तन किया गया क्योंकि सत्र अब स्थगित हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने मौन धरना देने का यहाँ पर ऐलान किया था, ये प्रदर्शन करने का यहाँ पर ऐलान किया था, एक रणनीति बनाई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि मौन धरना खत्म हुआ है। किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्ष लगातार खड़ा हुआ है, किसानों को समर्थन दे रहा है और विधानसभा परिसर में ये धरना प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि 144 धारा वहां पे लगा दी गई है कोरोना को देखते हुए, और ऐसे में कांग्रेस का मौन धरना अभी खत्म हुआ है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का आज से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया है। कई विधायकों और विधानसभा के कर्मचारियों की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। तो क्या कोरोना ही जिसकी वजह से शीतकालीन सत्र को स्थगित किया गया है, या इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है? शीतकालीन सत्र के स्थगित होने से कांग्रेस के अरमानों पर कैसे फिर गया पानी, और सत्र स्थगित होने के बावजूद विधानसभा में किन किन अहम मुद्दों पर हुआ काम, और कैसे होगी शीत सत्र के स्थगित होने की भरपाई, इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना की भेंट चढ़ा शीतकालीन सत्र, अब बजट सत्र से आस, विपक्ष के अरमानों पर भी फिरा पानी। एमपी में आखिरकार वही हुआ जिसकी काफी पहले से आशंका जताई जा रही थी। 28 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र आखिरकार स्थगित हो गया, यानी अब विधानसभा का बजट सत्र होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन स्थगित कर दिया गया है, कोरोना को देखते हुए सत्र को स्थगित किया गया। आज से ये विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था। सर्वदलीय बैठक में सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया। अब अध्यादेश के रूप में सभी विधेयक लाए जाएंगे। अभी तक 60 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, वहीं कई विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शीतकालीन सत्र के दिनों को बजट सत्र में जोड़ा जाएगा। शीतकालीन सत्र भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन 28 नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में शपथ ग्रहण है। विधानसभा का सत्र स्थगित होने के बाद ये फैसला हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने से कांग्रेस के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की थी। कांग्रेस ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार का विरोध करने का अपना अरमान पूरा करना चाहती थी, लेकिन कोरोना ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया शीतकालीन सत्र के स्थगित होने से। अब कांग्रेस ने मौन रहकर विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया है, किसान आंदोलन के समर्थन में मौन धरना रखा है। पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से करने वाले थे ये प्रोटेस्ट, कांग्रेस ने की थी विधानसभा का घेराव करने की तैयारी। तो मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी, पर हमने ये मांग रखी है जो उन्होंने स्वीकार करी है कि समितियां बनाई जाएंगी, अब 2-3-4 विभाग को जोड़ के, और हमारे जो विधायक है वो उनको प्रश्न दे सकेंगे और वो अलग करी जाएगी। तो सरकार ने ये भी तय किया है कि सभी विधायक अब अध्यादेश के रूप में लाए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के स्थगित होने की वजह भले ही कोरोना को बताया जा रहा हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि सत्र के स्थगित होने की असल वजह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव है। गौरतलब है कि सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष पहले से ही घेरता रहा है। सरकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव आखिर क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसे में मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि सत्र के स्थगित होने की असल वजह क्या है? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कब और कैसे होगा? सत्र स्थगित होने से सरकार के कामकाज की रफ्तार पर क्या असर होगा? सरकार को घेरने के लिए अब क्या होगा कांग्रेस का प्लान? टीम न्यूज़ टेक।
चलिए तो इन्हीं सब सवालों का आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ग्वालियर से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तपन तोमर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की स्पोक पर्सन, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है मैम आपका। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ स्टेट स्पोक पर्सन कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं भोपाल स्टूडियो से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सत्र अब स्थगित हुआ है, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि सरकार के कामकाज पर किस तरीके से फर्क पड़ेगा। विपक्ष की अपनी एक रणनीति थी कि घेराव करेंगे, किसान आंदोलन का मुद्दा खूब गूंजेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष के अरमानों में भी पानी फिर गया है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आम जनता का हो रहा है, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी करिश्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो किसी भी सदन का जो सेशंस होते हैं, चाहे वो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, ये सेशन कहीं ना कहीं देश की चिंता करने के लिए ही आयोजित की जाते हैं, देश के विकास के लिए आयोजित किए जाते हैं और देश में डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन पैंडमिक के कारण जो मेजर इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि पेंडेमिक के कारण इनको पोस्टपोन किया या डेफर किया गया है और ये जो बजट सेशन होगा उसमें इसको लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का जो प्लान था, एक्चुअली कांग्रेस दो प्लान कर रही थी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। पहला प्लान कांग्रेस का ये था कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर पूरे देश के किसान, ये जो बीजेपी की लीड गवर्नमेंट है सेंटर में, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं ये जो इनका जो प्लान था कि ट्रैक्टर से आना, असेंबली के पास आके सब विधायकों का और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स का वहां प्रोटेस्ट करना, ये कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से एक दिया था। दूसरा ऐसा था कि इस असेंबली सेशन में जो लव जिहाद, जिसको अपन कहें कि धर्म स्वतंत्र विधेयक, जो पिछले आपने देखा वो दिनों परसों कैबिनेट ने जिसको पास किया, उस पर भी डिस्कशन होना था। इस पर सरकार को घेरने का ये प्लान था। लेकिन एक चीज थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपको बताएं कि अगर कल के आंकड़े देखें अपन, कल के आंकड़ों में कोरोना के जो स्टेट भर में केसेस हैं वो 946 रिपोर्ट्स किए गए हैं। हाँ, डेथ का रेट बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा रहा, वो चिंता का विषय है कि 18 डेथ हुए हैं कल। लेकिन आप ये महसूस करें, ऐसे तो कई जगह हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो जब भी सेशन हुआ है, जब बहुत सारा रेट बहुत हाई था उस समय भी सेशन हुआ। यहां पर एक चिंता का दूसरा विषय है कि आपने पता हो कि मार्च में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सीएम की शपथ ली, उसके कुछ ही दो दिन बाद और उन्होंने सेशन आयोजित करके कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया था, तब सेशन लगाया गया। तब से आज दिनांक तक लगभग 9 महीने के लगभग हो चुके हैं, लेकिन स्थायी ना तो स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर से काम चला रहे हैं। उस समय देवड़ा जी थे, आज रामेश्वर शर्मा जी हैं। कुल मिला के यह है कि कांग्रेस पर की जो प्लान थी सरकार को घेरने की, कहीं ना कहीं लव जिहाद के मामले में, कोरोना केसेस के मामले में, या यू कहें कि किसान आंदोलन के साथ खड़े होने का एक जरिया तलाशने के माध्यम ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं मात खानी पड़ी है। और वो प्लान अब आगे क्या होगा ये आने वाला समय तय करेगा। कांग्रेस कैसे सरकार हम जान लेते हैं कांग्रेस की तरफ। जी करिश्मा जी, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अब किस तरीके से क्यों कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है? चलिए मैं लौटूंगी योगेश जी के पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है अभी तक हुआ नहीं है, तो इन परिस्थितियों में अब प्रोटेम स्पीकर से ही काम चलाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, ऐसे में इन परिस्थितियों में अब कैसे उसका चुनाव होगा? इसके लिए देखो, आपको एक चीज बताएं, एक दिन के असेंबली सेशन बुलाकर भी इस चुनाव को कंडक्ट किया जा सकता था। जब उन्होंने समर्थन के लिए सेशन बुलाया, कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए सेशन बुला सकते हैं, दूसरी चीजों के लिए सेशन बुला सकते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल वीकनेस रूलिंग पार्टी की दिखती है। आपने महसूस किया होगा आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट था कि जो हाल ही में उपचुनाव हुए उसमें 28 एमएलए जो जीत कर आए हैं, उन एमएलए को भी तो शपथ दिलानी थी, जबकि आज ये डिसाइड किया गया है कि वन बाई वन सबको
डिप्टी प्रोटेम स्पीकर के रूम में जाके दिलवाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दिन का सेशन आयोजित किया जा सकता था, क्योंकि इसके अलावा भी देश के कई जगह सेशन चल ही तो रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है, कई जगह सेशन कंडक्ट भी हुए हैं। बहुत जरूरी है आपने जुड़े मुद्दों पर डिस्कशन करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विधेयक को लेकर ही डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र की भी खूबसूरती, और जनता भी यही चाहती है। बने रहे जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। शुभम मेरे सहयोगी भोपाल से, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा छत्तीस, यस जी जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। शुभम, आपने छत्तीसगढ़ का सेशन हुआ वहां भी, शुभम क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि विपक्ष की रणनीति थी अब उस पर तो पानी फिर गया, लेकिन अब धरना प्रदर्शन देकर वो वहां पे विरोध जता रहे थे, फिलहाल कैसे हालात वहां पे बने हुए हैं? अब धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, क्या अपडेट से वहां से? देखिए करिश्मा, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, और आप देखिए कि ट्रैक्टर से कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक सभी विधानसभा पहुंचने वाले थे, मगर ट्रैक्टर को सांकेतिक रूप में जो खिलौना होता है वही आज इस धरना प्रदर्शन में हमें देखने को मिला। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये मंत्रालय के बाहर की तस्वीर है। दरअसल मीडिया को भी यहाँ पर ही रोक दिया गया, और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि जब विधानसभा सत्र ही नहीं बुलाया गया या इसे रद्द कर दिया गया, तो आखिर क्यों नहीं मीडिया को विधानसभा में पहुँचने दिया गया, क्यों नहीं विधानसभा में जो प्रदर्शन चल रहा था, मौन प्रदर्शन चल रहा था, उसका कवरेज मीडिया को करने दिया गया? और आप विधानसभा के जितने भी रास्ते देखिए, सभी पुलिस के द्वारा बंद कर दिए गए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक भी पुलिस ने आने दिया है। मगर बात अगर कांग्रेस के इस प्रदर्शन की जाए या इस पूरे विधानसभा सत्र की जाए, देखिए 28 जो विधायक आए हैं, नए विधायक आए हैं, उनकी शपथ होना है वो प्रोटेम स्पीकर के कक्ष में होना है, तो जितना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान वहाँ रखा जाएगा, अगर ये सेशन में ही होता या सदन में ही मौजूद होते तो ज़्यादा स्थिति बेहतर होती। मगर बड़ा सवाल यहाँ पर करिश्मा इस बात को लेकर उठता है कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के जितने नेता हैं, आप सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, सचिन यादव, जीतू पटवारी, सभी ये बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी नहीं चाहती थी, पहले से ही नहीं चाहती थी कि सेशन हो, मगर एक लाइन भी हमने नहीं सुनी कमलनाथ की ओर से कि वो बाहर आए हो मीडिया के बीच या ट्वीट करके उन्होंने कहा हो कि बीजेपी ये सत्र बुलाना ही नहीं चाहती थी और ऐसे में कांग्रेस ये पार्टी चाहती थी। देखिए कल भी जब सर्वदलीय बैठक से कमलनाथ बाहर आए, उनसे जब हमने प्रश्न किया तो उन्होंने यही कहा कि ये फैसला अध्यक्ष का होता है, सरकार का होता है, और कोरोना जो चल रही है महामारी उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। हमने कहा है कि समिति आप बनाइए, उसके जरिए 1-to-1 कम से कम विधायकों की चर्चा हो जाए मंत्रियों से, जो भी मुद्दे हैं, जो प्रश्न लगाए हैं। तो कमलनाथ की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया। अभी कुछ देर पहले हम जीतू पटवारी से बातचीत कर रहे थे, हमने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। गोविंद सिंह भी उस बैठक का हिस्सा थे, डॉक्टर गोविंद सिंह, और उन्होंने खड़े होकर इस बात का विरोध किया था कि नहीं सेशन विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही है, देखिए सबसे बड़े नेता आपके कमलनाथ हैं, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ थे, पीसीसी चीफ कमलनाथ थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, तो ये उनकी ओर से आखिर ऐसी क्यों नहीं बात निकल कर आ रही है कि वो कम से कम आगे आकर ये बात कहें कि सरकार ये गलत कर रही है और सेशन होना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी। आप बीजेपी से सवाल करते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि आप तो कमलनाथ जी से पूछ लीजिए, सर्वदलीय बैठक में ये फैसला हुआ है, इसमें तो किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। तो बात यहाँ पर आकर जो है वो खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है, आप वहाँ पर नजर बनाए रखिए, मैं आपसे फिर से अपडेट लूंगी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी, एक महत्वपूर्ण सवाल शुभम ने आप उठाया है। एक तरफ तो विपक्ष कह रही है कि सरकार डर रही थी, सरकार चाहती ही नहीं थी कि ये सेशन हो, तो जब कल फैसला लिया गया, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, तो क्यों नहीं उसमें विरोध जताया गया, और ये क्यों कहा गया कि सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि सत्र ना हो? ये शुभम ने बिल्कुल सही बोला है कि कमलनाथ जी ने सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद स्वयं कहा है कि ड्यू टू कोरोना COVID-19 बिल्कुल ये जो सेशन है वो डेफर किया गया है। इसका मतलब आपने उसको अपोज क्यों नहीं किया? जब ये कमलनाथ की जो लीडरशिप है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि अक्रॉस दी स्टेट पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में ये चीज का सवाल उठा रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी रूलिंग पार्टी सेशन बुलाने से डर रही है, क्योंकि उसको भय था। देखो अब आपको बताएं, आप वही बात मैं आज पे दोबारा दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस अगर संख्या दल में देखा, संख्या बल में देखा जाए तो सेशन में 96 की स्ट्रेंथ रखती है, वो एक मजबूत स्ट्रेंथ है, क्योंकि 229 का अभी आपने पता हो दो कि 229 की स्ट्रेंथ है मध्य प्रदेश असेंबली में। तो कहीं ना कहीं भाजपा
दो मुद्दे पर, एक मुद्दा और है कि जो हेल्थ सिचुएशन है मध्य प्रदेश की वो बहुत ही खराब है, जिसका कि कांग्रेस ने कल अपनी जो बैठक थी उसमें ये प्रस्तावित प्रपोजल भी लाए थे कि शेड्यूल में 27 बच्चों की जो मृत्यु हुई है, इन्फेंट्स की डेथ हुई है, उसको बड़ा मुद्दा उठाने वाले थे। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं जो समस्या से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों को सेशन लगने पर ही तो डिस्कस किया जाता है, तभी उनका हल निकलता है, जनता उनका जवाब जानना चाहती है एमएलओ के माध्यम से, लेकिन ये नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल यहाँ फिर भी गया, क्योंकि जो कमलनाथ के साथ साथ जो सेकेंड लाइन की सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस की, वो लीडरशिप चाह रही थी, और जबकि लग रहा था कि ये कमलनाथ की भी इच्छा है कि सेशन लगना चाहिए, लेकिन अंदर जाने के बाद कमलनाथ जी ने क्या डिसाइड किया, क्या ऐसे हालात बने जिसके कारण उन्होंने कहा ये सर्वदलीय बैठक का निर्णय है और ये प्रोटेम स्पीकर का निर्णय है। ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगी डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ तपन तोमर जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, और योगेश गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। तपन तोमर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, ऐसे में अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक दिन का तो सेशन कंडक्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसे क्या हालात बने? ये तर्क दिया गया कि कोरोना की भयावहता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है जब जनता से जुड़े मुद्दों पर आखिर कब चर्चा होगी? नहीं करिश्मा जी, जनता के की सेवा के लिए ही असल में चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के विकास की रिपोर्ट देने के लिए और आपस में चिंतन मंथन करने के लिए ही विधानसभा सत्र में एकत्र होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और चुने हुए, लेकिन साथ ही साथ चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ये भी दायित्व तो होता है कि वो समाज की सुरक्षा और समाज के विकास के लिए काम करते हुए आगे बढ़ें। जब सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी उपस्थित थे, और उन्होंने भी जब सभी चीजों की मंत्रणा हुई तो पाया कि कोरोना संक्रमित लोगों के होने के कारण अगर विधायक इकट्ठे होंगे तो कर्मचारी अधिकारी विधायक जब ये सब बैठक होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में लौटेंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने का डर है। तपन जी, लेकिन सभी लोगों ने विचार किया, बाद में चुनाव हो रहा था, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, कई नेता थे जो कि संक्रमित हो रहे थे, तो उस समय क्या डर नहीं था? उस समय तो कोरोना की भयावहता तो उस समय भी थी। नहीं करिश्मा जी, देखिए, नहीं देखिए, 28 सीटों पर चुनाव था, लेकिन यहाँ पूरे 230 विधानसभा के प्रतिनिधि इकट्ठे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सार्वजनिक कार्यक्रम और शासकीय कार्यक्रम में क्या फर्क होता है। आपने भी ये पाया होगा कि अगर आपके परिवार में कहीं कोई विवाह का आयोजन हुआ है और आपको निमंत्रण मिला है तो आपकी इच्छा थी, आप गए या नहीं गए, लेकिन जहां आप काम करते हैं, आप न्यूज एंकर हैं और जहां आपके काम करने का समय सुनिश्चित है तो वहां आपको पहुंचना होता है, यही फर्क है। सार्वजनिक कार्यक्रम के चुनाव में अगर कोई सभा है तो वहां व्यक्ति तय कर सकता है कि उसको जाना है या नहीं जाना है, आम जनता को, लेकिन अगर वो अपने काम के लिए जनप्रतिनिधि से मिलना चाहता है तो स्वाभाविक है कि विधायक भी लोकसभा विधानसभा में आएगा, क्योंकि वहां उसका आना जरूरी है, अगर बैठक तय होती है तो। अब मैं योगेश जी के पास जाना चाहूंगी तपन जी, लेकिन एक चीज तो है कि उस समय भी लोगों का हुजूम था, उस समय भी लोगों की भीड़ थी और उस समय भी कोरोना की भयावहता थी, करना समझ से बाहर है। तपन जी, मैं आऊंगी आपके पास। योगेश जी, एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार डर रही है, सरकार सेशन बुलाना ही नहीं चाहती थी, दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक होती है, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी उसमें शामिल होते हैं, तो उस समय क्यों नहीं आखिर कांग्रेस ने विरोध किया? नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि कोरोना की भयावहता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, तो फिर क्यों आप कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि सरकार डर रही है? देखिए करिश्मा जी, सीधी सी बात यह है कि जो सत्यप्रकाश जी ने कही है, मैं उस बात से सहमत हूँ कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों से बचने के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें सत्र बुलाने में हिचकती हैं, कैंसिल तो करने का इनका क्यों नहीं विरोध किया कांग्रेस की तरफ से? योगेश, दो दिन पहले ही विरोध किया गया सर्वदलीय बैठक में। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, लेट मी स्पीक प्लीज। प्लीज अपनी बात रखें जी। तो करिश्मा जी देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। तो जब आज से 2-3 दिन पहले, जब विधानसभा सत्र चालू होने से पहले प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ जी और पीसी शर्मा जी, जो हमारे विधायक हैं भोपाल दक्षिण पश्चिम से, वो जब निरीक्षण करने गए थे, बाकायदा सिटिंग अरेंजमेंट देखकर आए थे, तो कांग्रेस की मंशा यही थी कि किसी भी हाल में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए यह सत्र आहूत किया जाए।
क्योंकि हमारा डिस्कशन होना था कुपोषण के मामले में शहडोल में जो 30 मौतें हुई उसको लेकर, हमारा डिस्कशन होना था नगर निगम के जो आगामी चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं उसको लेकर, हमारा डिस्कशन होना था विधानसभा के अंदर की प्रोटेम स्पीकर की एक अवधि फिक्स होती है, 3 महीने से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल होना चाहिए था, ये कांग्रेस की मंशा थी भरपूर। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक खिंचाव चल रहा है, सिंधिया जी और शिवराज जी में 36 का आंकड़ा चल रहा है मंत्री परिषद के गठन को लेकर, और उनको ये बिल्कुल संभावित हार नजर आ रही थी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ये विधानसभा सत्र को स्थगित करने का। क्या जवाब देंगे, एक और बड़ा आरोप लगा है कि विधानसभा सत्र को स्थगित करने का चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर जो लगाए जाते हैं वो कोरोना की आड़ में भी चल रहे हैं जी। तपन जी देखिए कांग्रेस का दोगला चरित्र देखिए, कि चाहते हैं कि ये सब हो, इन विषयों पर चर्चा हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सर्वसहमति में राय दे देते हैं कि ठीक है कोरोना की वजह से बैठक नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि किसान भाई डटे रहो, वीर तुम डटे रहो, धीर तुम डटे रहो, मैं दिल्ली में जश्न मनाने नव वर्ष का इटली भागता हूं, तुम लोग लगे रहो। लेकिन ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का, कि ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, असल में ये लोग स्वयं नहीं चाहते कि प्रदेश और राष्ट्र के विकास के लिए काम हो। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना को लेकर के अगर कोई जनता कह रहा है और पार्टी जिन लोगों को समझनी चाहिए सरकार को जवाब से बचने के लिए ये कोरोना की वजह से लोकसभा के सत्रों में मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों में एक दिन का सेशन कंडक्ट किया जा सकता था जी। आखिरी कमेंट सर मैं आपसे चाहूंगी। जी जी जी, एक्चुअली कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कानून की कुछ लिमिटेशंस हैं, उन्हें लिमिटेशंस के लिए तो बहुत सारी इमरजेंसी में भी उनको किया जाता है जी। जैसे आज आपको बता, बगैर मुख्यमंत्री के प्रदेश नहीं रह सकता, या तो राज्यपाल रूल हो या फिर मुख्यमंत्री हो। ऐसे ही जब विधानसभा है तो एक दिन के सेशन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन क्यों नहीं कराए, विधानसभा का सेशन आयोजित करके भले वो लिमिटेड संख्या में हो सकता था, नए आगामी विधायकों की शपथ क्यों नहीं कराई। इसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों दल का क्या पीछे क्या खिचड़ी पकी है, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। क्योंकि कांग्रेस का, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये बात पक्की, इन मुद्दों को वो विधानसभा में लाना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ जी को क्या हुआ, कमलनाथ जी सरदली बैठक में क्यों नहीं इस बात को उठा पाए और उसको अपनी बात को मनवाने के लिए तो कह सकते थे कि सेशन को और छुटा रखिए जी। जी योगेश जी आपको मौका दे रहे हैं। 30 सेकंड में अपना कुछ बात रखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम जी। जी हां करिश्मा जी, मेरा बड़े ही विनम्रता के साथ ये कहना है कि आज देश और प्रदेश का दुर्भाग्य कि जहां सवाल सरकारों से किए जाना चाहिए थे वहां पिछले 6 सालों से लगातार सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। अगर विधानसभा का सत्र स्थगित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित सरकार के द्वारा, तो सवाल कमलनाथ जी से पूछे जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने भरपूर जोर दिया था कि किसी भी तरह से इस सत्र को आहूत किया जाए, जब उन्होंने जिम्मेदारी तो कमलनाथ जी ने कहा कि जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। कमलनाथ जी ने भरपूर मंशा थी उनकी आहूत किया जाए। जी जी तपन जी मौका दे, करिश्मा जी देखिए दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमने तो पहली बार सुना कि केवल सरकार का दायित्व होता है, साहब विपक्ष फिर क्या कर रहा है, विपक्ष फिर है क्यों? अरे और मजबूत विपक्ष है मध्य प्रदेश में, तो अगर मजबूत विपक्ष होने के बाद ऐसा लगता है कि धोखा देते हैं कांग्रेस का देश, तो एक आखिरी सब अपने परिवार में झांकने की आवश्यकता है। दुनिया की मैं शुभम के पास में जाऊंगी, मेरे सहयोगी शुभम, आप ताजा तस्वीरें तो आप देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन अब विपक्ष के आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए करिश्मा, विपक्ष से सवाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ जितने कांग्रेस के नेता थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीसी शर्मा की, और उसमें उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे साजिश है सरकार की ओर से। मगर अब कमलनाथ जब जाते हैं और वहां पर कमलनाथ ये कहते हैं जी 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 समय की कमी है जी। चलिए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना का ये जो सत्र है वो, ये जो सत्र है विधानसभा का वो कोरोना की भेंट तो चढ़ा ही, और इसमें दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी बनती है खास विषय में।